हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है क्लॉक की ये हमारी जो है आज ये चौथी क्लास है। तीन क्लासें हम लोगों ने पढ़ी हैं क्लॉक की, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं और क्लॉक से रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज भी मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा क्लॉक में, जो क्वेश्चन के साथ में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अ प्रसाइज क्लॉक इज शोइंग द टाइम ऑफ 3 o'clock आफ्टर द आवर हैंड हैज रोटेटेड 135 degrees, द टाइम विल बी। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय होगा। अब देखिए कितना समय होगा, 7:30 होगा, 6:30 होगा, 8 o'clock होगा, 9 o'clock होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो है, अगर हम एंगल के बाद एंगल की बात करें तो एंगल को हम समझ लेते हैं जो है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे ये डायरेक्शन है आपका, एंगल को हम समझ लेते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ताकि चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएं। देखो ये आपका डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन आपके ये होते हैं इस प्रकार से। यहां पर ये 8 डायरेक्शन आपके कुछ ऐसे होता है जिनको आप बनाते हैं, ठीक है। अब इन 8 डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन जो होता है ये आपका ईस्ट और नॉर्थ और साउथ होता है, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ, ये डायरेक्शन आपका ईस्ट एंड वेस्ट होता है, ये ईस्ट और ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका वेस्ट, ओके। ये डायरेक्शन जो है आपका होता है, ये डायरेक्शन आपका होता है जो है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ वेस्ट, ओके। ये डायरेक्शन होता है आपका जो है, ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन होता है आपका नॉर्थ ईस्ट और ये डायरेक्शन होता है आपका साउथ वेस्ट। क्या होता है, साउथ वेस्ट, क्लियर। और ये एक सेंटर पॉइंट के द्वारा सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर एंगल की बात करें तो यह पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, यह पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का, और जो आपका ये हाफ एंगल होता है ये आपका होता है 45 डिग्री का, क्योंकि ये मिडिल डायरेक्शन है जो 90 डिग्री को 45 डिग्री में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो यह हाफ एंगल आपका हो जाएगा 45 डिग्री का। तो पूरा यह सर्कल कितने डिग्री का होगा आपका, 360 का। अब यहां पे जरा क्लॉक को समझते हैं, देखिए डायरेक्शन में जरा क्लॉक को बनाते हैं। अगर आप डायरेक्शन में क्लॉक की बात करें तो यहां पे आप 12, यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे जहां पे नॉर्थ है, जहां पे आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, जहां पे आपका नॉर्थ डायरेक्शन है यहां पे आपका 12 o'clock होगा, ठीक है ना। यहां पे नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होगा, 12 o'clock, यहां पे 3 होगा, यहां पे 6 होगा और यहां पे आपका 9 होगा, क्लियर। अगर हम बाकी नंबर्स की बात करें तो यहां पे आपको 1 और 2 दिखाई देंगे, यहां पे आपको 4 और 5 दिखाई देंगे, यहां पे आपको 7 और 8 दिखाई देंगे, यहां पे 10 और यहां पे आपको 11 दिखाई देगा, क्लियर। तो अगर हम देखें तो घड़ी में करेक्ट 3 बज रहा है, घड़ी में कितना बज रहा है, 3 o'clock है। देखो ऐसा कुछ इस प्रकार से घड़ी में बजा हुआ है 3 o'clock। अब यहां पर जब 3 o'clock की बात है तो अगर मैं बात करूं तो जो मिनट का हैंड है, जो मिनट की हैंड है वो है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में, वो है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो आपकी आवर की हैंड है, जो आर की हैंड है वो है आपकी ईस्ट डायरेक्शन में, वो है आपकी पूर्व दिशा में। अब देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो इनको हमको घुमाना है कितना, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री कितना होता है, 135 डिग्री कितना होता है, तो आपने कहा ये होता है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 45 हो जाएगा 135। अब देखिए जब ये 135 डिग्री मूव करेगा
तो यहां से देखो, यहां से यहां ये 90, यहां से यहां ये 90 और यहां से यहां ये 45, ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री। कितना हो जाएगा? 135 डिग्री हो गया। और 135 डिग्री मूव करने के बाद जो आपकी घंटे की सुई है, जो आपके घंटे की सुई है, वो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका क्या मिलेगा? सबसे पहले 7 मिलेगा, तो 7 पे आ जाएगी। 7 7 बज के कुछ मिनट होगा, तो जब ये यहां पर आ जाएगी तो जो मिनट का हैंड है वो आपका 6 पे आ जाएगा, वो आपका 6 पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है ये मूवमेंट दिखाई देगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7:30 आपका सही आंसर होगा। 7:30 आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब आपकी आवर की हैंड 135 डिग्री मूव करेगी, तो आपने कहा भाई यहां से यहां तक 90 है, 45, तो ये कहां पहुंच गया? पहुंच जाएगी सबसे पहले 7 पे पहुंचेगी, तो 7:00 कुछ होगा। और 7:30 एक ही तो ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका 7:30, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अ पर्सन केम टू मीट हिज फ्रेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एट 12:30 PM, द सेकेंड टाइम एट 1:20 PM, द थर्ड टाइम एट 2:30 PM एंड द फोर्थ टाइम एट 4 PM, व्हेन विल ही केम टू विजिट अगेन। एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 आया, दूसरी बार 1:20 आया, तीसरी बार 2:30 आया और चौथी बार 4 आया, वह फिर कब मिलने आएगा? तो अब आपको बताना है कि इन ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आप जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं वैसा कर दीजिए। ये मिसलेनियस क्वेश्चनों में आते हैं, यहां पे क्लॉक में किसी भी जो है फॉर्मूले का हम प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। जैसे हम एंगल के लिए, और एंगल के लिए प्रयोग करते हैं आपका m=2/11 h/(30±θ) या 1160। पोजीशन के लिए हम प्रयोग करते हैं m=2/11 h/(30±θ) या फिर जो है बेस टाइम, और अगर अलग अलग पोजीशन है तो बेस टाइम के साथ कभी प्लस, अगर ओवरलैपिंग कंडीशन है, ओवरलैपिंग आपकी पोजीशन है तो आप क्या करेंगे? बेस टाइम इंटू 60/11। अगर अपोजिट पोजीशन है तो बेस टाइम +-6 × 60/11। और अगर राइट एंगल कंडीशन है तो बेस टाइम +-3 × 60/11 कर देंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों में कोई भी फॉर्मूले का प्रयोग आपको करने की जरूरत नहीं है, ये केवल कॉन्सेप्ट पर लगते हैं, केवल कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप इनका आंसर दे पाएंगे। जैसे देखिए, कह रहा पहली बार जब वह मिलने अपने मित्र से गया तो कब गया? 12:30 पे। तो अब आप ये देख लीजिए कि टाइम डिफरेंस कितना है उनके बीच में, ठीक है ना, टाइम डिफरेंस कितना है, तो वहां से ये आपका आंसर निकल आएगा। जैसे अगर देखा जाए तो पहली बार मिलने वह 12:30 पे गया था, ठीक है, अगली बार मिलने वह जो है कितने बजे गया? 1:20 पर, 1:20 पे गया। फिर वह जो है मिलने कितने बजे गया? 2:30 पे गया। फिर मिलने वह गया 4:00 पे। अब आपको बताना है कि अब मिलने कब वह जाएगा, ठीक है ना, 5:00, 5:20, 5:50 कि 5:30। तो जरा इसके बीच टाइम डिफरेंस देखिए, 12:30 से 1:20 तक में कितना टाइम डिफरेंस होगा? आपने कहा 50 मिनट। 50 मिनट का होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, 50 मिनट का टाइम डिफरेंस होगा। भाई जैसे 30 मिनट और होंगे तो 1 बज जाएगा, 20 मिनट ये होगा, 30, 20, 50 हो गया, अर्थात 50 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। फिर 1:20 से 2:30 तक, तो आपने कहा कि 1:20 से 2:00 तक जाने में कितना हो गया? वह 1:20 से और 2 बजे तक जाने कितना हो गया आपका? 10 इधर 30, 10, 40, ये हो गया, ठीक है ना। 20 और 20 मिनट के बाद 10 मिनट में आपका 1:30 होगा, और 30 मिनट ये, तो ये आपका 40, और 40, 30 कितना हो गया आपका? 70। यहां 70 मिनट का डिफरेंस है। फिर 2:30 से 4:00, तो आपने कहा यहां 90 मिनट का डिफरेंस है। देखो भाई, 30 मिनट में 3:00, 60 मिनट में 4:00, तो 60, 30 कितना हो गया? 90 मिनट। तो 90 मिनट का यहां पे डिफरेंस है। तो अब आप देख रहे हैं कि हर बार कितने मिनट का डिफरेंस बढ़ जा रहा है,
50 प्लस 20 तो आपका 70 हो गया, 70 प्लस 20 तो आपका 90 हो गया। तो अब भी तो 20 मिनट का डिफरेंस होगा, क्योंकि हर 20 मिनट के अंतराल पे वो मिलने जाता है, ठीक है ना। हर 20 मिनट मतलब उसमें ऐड हो जाते हैं, पहली बार 50 मिनट के डिफरेंस में गया, फिर 70 मिनट, फिर 90 मिनट, तो अब कितने मिनट के डिफरेंस में जाएगा। तो आपने कहा अब जाएगा ये फिर से 20 मिनट और प्लस कर देगा, तो अब जब ये इससे मिलने जाएगा तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110। कितना हो जाएगा आपका, 110 मिनट के डिफरेंस पर मिलने जाएगा। तो 110 मिनट का मतलब कितना होता है, 110 मिनट का मतलब होता है आपका 1 आवर एंड 50 मिनट, 1 आवर एंड 50 मिनट, मतलब 1 घंटा 50 मिनट बाद फिर से वह मिलने जाएगा। तो अब 1 घंटा 50 मिनट इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 550। 1 घंटा 50 मिनट जब ऐड कर देंगे तो आंसर क्या जाएगा आपका, 550। अब वह 5:50 पर मिलने जाएगा, चूंकि 110 मिनट का मतलब क्या होता है 1 आवर 50 मिनट, और 1 आवर 50 मिनट जब आप 4 o'clock में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 550। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो केवल कॉन्सेप्ट की बात है, कोई फॉर्मूला यहां नहीं प्रयोग करना, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िए, जल्दबाजी में इन क्वेश्चनों को पढ़ के आंसर मत दीजिए, एक एक चीज को सही से पढ़ लीजिए और जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं क्या आएगा। राखीज वॉच रीड 9:35 AM विच वॉज द करेक्ट टाइम, ओके। रीना टोल्ड हिम दैट द लास्ट बस फ्रॉम द बस स्टॉप लेफ्ट एट 9:25 AM। रीनाज वॉच इज 5 मिनट फास्ट, ओके। द बस रन्स एवरी 20 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल राखी हैव टू वेट टू कैच द नेक्स्ट बस। राखी घड़ी में 9:35 AM बजे थे जो सही समय था, रीना ने उसे बताया कि बस स्टॉप से आखिरी बस 9:25 AM बजे छूटी है। रीना की घड़ी 5 मिनट तेज है, ठीक है ना, बस हर 20 मिनट में चलती है। अगली बस पकड़ने के लिए राखी को कितनी देर इंतजार करना होगा, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 25 मिनट्स या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक चीज़ दी गई है कि जो रीना है उसकी जो क्लॉक, उसकी जो घड़ी है वो 5 मिनट तेज चल रही है। तो 5 मिनट जब वो तेज चल रही है तो उसने कहा कि आखिरी बस 9:25 AM पर छूटी है, यह उसको फोन करके बताया रीना ने किसको, राखी को, ठीक है ना। और राखी की घड़ी का जो समय था, राखीज वॉच जो टाइम था, ठीक है ना, राखीज वॉच टाइम जो टाइम कितना था, 9:35 AM, ये आपका करेक्ट टाइम था। लेकिन अगर हम रीना की बात करें तो रीना की घड़ी में जो आपका 9:25 था वो करेक्ट समय नहीं था, क्योंकि रीना की घड़ी जो है 5 मिनट तेज चल रही थी, तो उसने भाई अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग उसको बता दिया। तो उसको अगर हम राइट टाइम की बात करें, अगर हम यहाँ पे रीना की घड़ी का राइट टाइम की बात करें, अगर हम राइट टाइम की बात करें या करेक्ट टाइम की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, जो है 9:25 - 5 मिनट है, तो 9:20 आपका राइट टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। आपका राइट टाइम कितना जाएगा, जो है कितना आ जाएगा आपका, 9:20 आ जाएगा। तो ये राइट टाइम हो गया 9:20। अब देखो हर 20 मिनट में चलती है बस, ठीक है, कितने मिनट में, बस हर 20 मिनट में चलती है। तो अब जब 20 मिनट में चलती है तो बस का राइट टाइम क्या होगा, बस का राइट टाइम
राइट टाइम, कौन सी बस जो जो है राइट टाइम, जो आपके राखी को पकड़ना है राइट टाइम। तो आपने कहा हर 20 मिनट में छूटती है, तो 9:20 में 20 मिनट ऐड कर दीजिए, ये 9:40, अर्थात जो बस आएगी वो 9:40 पे आएगी, ठीक है ना, 9:40 पे आएगी, और वहाँ पर वह 9:35 पर खड़ी थी, ठीक है ना, जो आपके सही समय था 9:35। अब वहाँ पर उसको कितने मिनट वेट करना पड़ेगा? तो अगर हम बात करें वेट करने की, तो यहाँ पे 9:40 पर उसको बस मिलेगी, वहाँ पर आएगी, और अभी वो 9:35 है उसकी बस में, क्लॉक में, तो 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। कितने मिनट का वेट करना पड़ेगा? 5 मिनट का। तो आपकी आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वेट टू कैच द नेक्स्ट बस। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 मिनट, ठीक है, क्योंकि 9:40 पर वहां पे बस पहुंचेगी और उसकी अभी उसकी घड़ी कितना बज रहा है? 9:35। तो यहां पे आंसर कितना आएगा? 5 मिनट आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया किस प्रकार से करना है? तो केवल ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर आपके जो है आधारित है, ठीक है भाई। राखी की जो वॉच का जो टाइम था 9:35 वो सही था, लेकिन जो रीना का टाइम वॉच का जो टाइम था 9:25 वो गलत था, क्योंकि वो उसकी घड़ी 5 मिनट तेज थी। तो करेक्ट टाइम या राइट टाइम उसका क्या रहा होगा? आपका जो है राइट टाइम उसकी घड़ी का 9:20 था, जिस समय वो फोन कर रहे थे सही समय क्या था? 9:20, लेकिन उसकी घड़ी के हिसाब से 9:25 था। तब उसने उसको फोन करके बताया कि भाई जो है अगली बस जो है आपकी 9:25 AM छूटी है, आखिरी बस। तो उसने उस समय जो सही समय था वो 9:20 था। हर 20 मिनट पर बस जाती है, तो बस आएगी 9:40 पर, अभी राखी की घड़ी में 9:35 है, तो उसको 5 मिनट अभी वहां पर खड़े रहना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। ऑन रीचिंग द मीटिंग प्लेस 20 मिनट्स बिफोर 8:50, महेश फाइंड्स दैट ही हैज अराइव 30 मिनट्स अर्लियर देन द वन हु इज 40 मिनट्स लेट। प्लीज टेल वॉट वॉज द शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचने पर महेश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। तो यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था? ठीक है, 8:20, 8:10, 8:05, 8 o'clock। जरा देखिए भाई कैसे लगेगा। तो आपने कहा कि अगर हम बात करें कि महेश कब पहुंचा, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ऑन रीचिंग द मीटिंग प्लेस 20 मिनट्स बिफोर 8:50, महेश फाइंड दैट ही हैज अराइव 30 मिनट अर्लियर। तो अब देखो अगर हम बात करें महेश के आने के समय का, ठीक है ना, हम बात अगर करते हैं कि महेश वहां पर कितने बजे पहुंचा, तो अगर हम बात करें महेश के पहुंचने का समय, महेश के पहुंचने का समय, महेश के पहुंचने का समय, तो आपने कहा कि महेश जो अभी पहुंचा है वो है जो है कितने बजे पहुंचा है? तो आपने कहा 8:50 से 20 मिनट बिफोर पहुंचा है, अर्थात ये पहुंचा है 8:30 पर। कब पहुंचा है? 8:30 पर। लेकिन उसको जब वह पहुंचे तो उसको यह पता चला कि वह 40 मिनट जो देर से आया है व्यक्ति, उससे वह 30 मिनट लेट है, ठीक है ना। तो अगर यहां पर देखें तो वो कितना लेट है, शेड्यूल टाइम क्या है मीटिंग का, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो वो जब पहुंचा तो उसको पता चला, वो कब पहुंचा? 8:30 पर। तो उसको ये पता चला कि जो 40 मिनट लेट आया है उससे वह 30 मिनट लेट है, अर्थात वो कितना लेट है? यहां पे इस प्रकार से इसको लिख लेते ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर हम लेट टाइम की बात करें, तो आपने कहा कि उसको पता चला कि जो 40 मिनट लेट आया है उससे वह 30 मिनट लेट था, अर्थात कितना लेट था? 10 मिनट वह लेट था, ठीक है ना। जब वह 8:30 पर पहुंचे तो वह 10 मिनट लेट था। तो अगर मैं बात करूं शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग, अगर मैं बात करूं शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग, शेड्यूल
शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग, टाइम ऑफ द मीटिंग, तो आप कहेंगे कितना आएगा ये बताइए जल्दी से भाई, शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग कितना आएगा। आपने कहा ये है आपका कितने बजे, 8:30 पर वह पहुंचा था, वह अभी आपका 10 मिनट लेट था, तो आपका जो टाइम निर्धारित समय था वो आपका 8:20 था। कितना था आपका, 8:20 था, तो 8:20 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो उसका राइट टाइम था, जो निर्धारित समय था मीटिंग का, वो आपका 8:20 था। तो क्लियर है किस प्रकार से आएगा। ठीक है भाई, वो 20 मिनट पहले पहुंचा, 8:50 से अर्थात वह 8:30 पर पहुंचा, लेकिन जब वह 8:30 पर पहुंचा तो उसको पता चला कि यार जो 40 मिनट लेट है उससे मैं 30 मिनट में भी पहले आ गया, तो करेक्ट टाइम पर नहीं पहुंचा, वो भी लेट ही पहुंचा, तो वो 10 मिनट लेट था, और 10 मिनट जब लेट था तो 8:30 पर जब वो पहुंचा तो तब भी वो 10 मिनट लेट था, तो जो करेक्ट टाइम था आपका मीटिंग का वो 8:20 था। क्लियर, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, द मैनेजिंग डायरेक्टर इंटर 20 मिनट बिफोर 12:45 फॉर ए मीटिंग इन ए कॉन्फ्रेंस हॉल, ही केम 15 मिनट बिफोर द चेयरमैन व्हाइल द चेयरमैन केम 30 मिनट्स लेट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द मीटिंग। किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए प्रबंध निदेशक 12:45 से 20 मिनट पूर्व प्रवेश किया, वह चेयरमैन से 15 मिनट पूर्व आया था, ठीक है ना, जबकि चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया था, मीटिंग का सही समय क्या था, 12:20, 12:25, 12:10 कि 12:15, बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा ए बी सी डी में। तो अगर हम यहां पर देखें, देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कि जो आपका प्रबंध निदेशक वो कब आया, फिर हम बात करेंगे जो चेयरमैन है वो कब आया, ठीक है ना, फिर हम एग्जैक्ट टाइम निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे देखो दिया है कि द मैनेजिंग डायरेक्टर इंटर 20 मिनट्स बिफोर 12:45 फॉर ए मीटिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अराइवल टाइम ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, अराइवल टाइम ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर, तो आप बोलेंगे डायरेक्टर, तो आप बोलेंगे कि इनके आने का जो समय है वो कितना है, वो है आपका 12:45 से ये 20 मिनट पहले आ गए, अर्थात ये आए थे 12:25 पर, कब आए थे 12:25 पर आए थे, 12:25 पे आए थे। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ही केम 15 मिनट बिफोर द चेयरमैन, वह चेयरमैन से 15 मिनट पहले आए, वाइल द चेयरमैन केम 30 मिनट लेट। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि जो है चेयरमैन के आने का समय कितना है, तो आपने कहा कि चेयर, अब देखो ही केम 15 मिनट बिफोर द चेयरमैन वाइल द चेयरमैन केम 30 मिनट लेट, मतलब कि जो आपके प्रबंध निदेशक हैं वह जो है उससे 15 मिनट पहले आ गया, किससे, जो चेयरमैन से, जो चेयरमैन 30 मिनट लेट 30 मिनट देरी से आया। तो देखो वो कितने बजे आया आपका, 12:25 पे आया। अब अगर लेट की बात करें, अगर मैं इसके, ये तो इस समय इसका आने का समय है, अगर मैं लेट होने की बात करूं, तो आपने कहा अगर लेट टाइम की बात करते हैं, अगर हम यहां पे लेट टाइम की बात करें तो आप देखेंगे लेट टाइम कितना है, तो वह जो आपका चेयरमैन 30 मिनट लेट आया था उससे भी वह 15 मिनट पहले ही तो आए थे, ठीक है ना, जो 30 मिनट लेट आया था चेयरमैन उससे वह 15 मिनट पहले ही तो आए थे, तो कितने मिनट लेट थे ये, 15 मिनट लेट थे। तो एग्जैक्ट टाइम ऑफ द मीटिंग की अगर बात करें, ठीक है ना, एग्जैक्ट टाइम ऑफ द मीटिंग, एग्जैक्ट टाइम ऑफ द मीटिंग, तो आपने कहा कि जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो जब आपके 12:25 पर आए थे तो 15 मिनट ऑटोमेटिक लेट थे, ठीक है ना, जब 15 मिनट लेट थे तो 12:25 में आप 15 मिनट माइनस कर दीजिए,
आपका आज आंसर आ जाएगा 12:10, 12:10, अर्थात जो आपका एग्जैक्ट टाइम था मीटिंग का वो 12:10 था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। अ बस लीव्स फ्रॉम ए बस स्टॉप एवरी 45 मिनट्स। द इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड ए पैसेंजर दैट द बस हैड लेफ्ट 15 मिनट्स अर्लियर एंड द नेक्स्ट बस वुड लीव एट 11:15। एट वॉट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 11:15 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना कितने बजे, किस समय दी थी? 11 बजे, 10:45 या आपका जो है 10:30 या 9:45। तो देखो, वो जो अगली बस है वो तो खड़ी है, वो तो 11:15 पर जाएगी, वो बस तो उसको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जो बस उसको पकड़नी थी वो बस छूट गई। भाई आपको जो है, सपोज करो अपने घर से कहीं पर जाना है, अब आपने पता किया तो आपसे कहा गया कि हाँ भाई बस स्टॉप से हर एक 45 मिनट पर यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। अब आपको सपोज करो 9 बजे की बस पकड़नी थी, अब 9 बजे की जब बस आपको पकड़नी थी तो आपको बस स्टॉप 9 बजे के पहले पहुँच जाना चाहिए, मतलब करेक्ट 9 बजे तक तो पहुँच ही जाना चाहिए। आप पहुँचे 9:10 पर, आप पहुंचे 9:10 पर, और जब आप वहां पे गए इंक्वायरी क्लर्क से आपने पूछा तो उसने कहा आप 10 मिनट लेट हो गए, बस जो है 10 मिनट पहले जा चुकी है, अर्थात आप 10 मिनट क्या है, लेट हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखो वही चीज है, एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है। तो अगर मैं यहां पर ये आपसे पूछू कहूं कि जो पहले बस जा चुकी है उसका टाइमिंग क्या था, ठीक है ना, एक भाई जो नेक्स्ट बस जाएगी वो तो खड़ी है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रीवियस बस टाइमिंग का, अगर मैं बात करूं प्रीवियस बस टाइमिंग का जो छूट गई है, टाइमिंग का जो आपकी चली गई है, तो वो कितना आएगा? तो आपने कहा, तो यहां पे जो देखो, अगर प्रीवियस बस की टाइमिंग की बात करें तो यहां पर देखो वह 11:15 पर आपकी नेक्स्ट बस जाएगी, लेकिन हर 45 मिनट पर बस जाती है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें जो पिछली वाली बस चली गई है उसका टाइम मिलेगा कि उसका छूटने का टाइम कितना था, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो 11:15 से 45 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा जरा माइनस करिए। तो आपने कहा अगर हम 11:15 से जो है 45, अब 15 से तो 45 माइनस होगा नहीं, यहाँ से आप जो है एक घंटे इससे उधार ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये 11:15 से अगर आपको 45 को माइनस करना है तो कैसे माइनस करेंगे, इससे हम एक घंटे उधार ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 60 और 175 से आप 45 को माइनस कर दीजिए, 0:30 ये आ जाएगा आपका 10:30, ठीक है ना। अर्थात 10:30 पर, 10:30 पर जो है पिछली वाली बस चली गई। अगली बस तो 11:15 पर जाएगी, जो पिछली वाली बस है वो आपकी 10:30 पर जा चुकी। अब आप कितने मिनट लेट थे? आप लेट थे 15 मिनट। उसने कहा कि देखो, उसने साफ आपसे कहा कि दैट द बस हैड लेफ्ट 15 मिनट अर्लियर एंड द नेक्स्ट बस वुड लीव एट 11:15। 15 मिनट पहले वह बस जा चुकी है, अर्थात आप जब पहुंचे तब आप 15 मिनट लेट थे, ठीक है ना। तो आपको किस समय यह जानकारी मिली? तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि क्लर्क गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर, तो आप समझ जाएंगे कितना टाइमिंग आएगा। आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हैं,
10:30 पे छूटनी थी, 15 मिनट आप लेट हैं, अर्थात आपको यह जानकारी कितने बजे मिली, 10:45 पे। कितने बजे मिली, 10:45 पे। ये मिनट हैं, ठीक है ना, तो यह आप 30 के साथ ऐड होंगे, तो 10:45 पे आपको यह जानकारी मिली कि वह बस जा चुकी है और अगली बस आपको 11:15 पर मिलेगी। तो आपको जानकारी कितने बजे दी गई, कितने बजे उसने दी, 10:45 पर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए भाई क्या आएगा। अ टॉर्टोइस वॉक 1 किलोमीटर इन 4 आवर्स, रेस्ट फॉर 20 मिनट्स आफ्टर एवरी किलोमीटर, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 किलोमीटर। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत आसान, देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या कह रहा है कि टॉर्टोइस वॉक 1 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो 3 किलोमीटर की बात करें भाई, 1 किलोमीटर 4 आवर्स, तो आपने कहा कि 3 किलोमीटर, तो आपने कहा 3 × 4 = 12 आवर्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा 3 किलो, अब देखो 1 किलोमीटर के लिए 4 घंटे, तो अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि 0.5 किलोमीटर के लिए, तो आप बोलेंगे 2 घंटे। कितने, 2 घंटे भाई, इसका हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया, तो 3 किलोमीटर के लिए तो 12 घंटे हो गए। 0.5 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 2 घंटे ये हो जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के 4 घंटे, तो आधा किलोमीटर के लिए 2 घंटे। अब देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर पे वह 20 मिनट का विश्राम लेता है। तो देखिए पहले किलोमीटर पे, फर्स्ट किलोमीटर पे 20 मिनट का विश्राम, फिर सेकेंड किलोमीटर पे 20 मिनट का विश्राम, थर्ड किलोमीटर पे आपका 20 मिनट का विश्राम। कितने मिनट का विश्राम हो गया, आपने कहा 60 मिनट का विश्राम हो गया, ठीक है ना। अब 0.5 किलोमीटर पे थोड़ा ना विश्राम करेगा, क्योंकि वह जब पूरा किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है तब वह विश्राम करता है, तो 0.5 में तो विश्राम करेगा नहीं, तो 60 मिनट का पूरा विश्राम हो गया। तो देखिए जरा 12 आवर्स ये हो गए, 2 आवर्स ये हो गए, और 1 आवर्स ये हो गए, टोटल आपके हो गए 15 आवर्स। 15 घंटे उसको लगेंगे ये दूरी तय करने में। कछुआ भाई बहुत ही लेजी है, ठीक है ना, 15 घंटे ले रहा है 3.5 किलोमीटर जाने के लिए, तो उसको कितना लगेगा, 15 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। When I reached the station, I came to know that I had reached 1/2 hour before the departure of the train. Due to delay of 1 hour 30 minutes, the train arrived at 6:20. What time did I reach the station? जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने से आधा घंटे पहले पहुंच गया हूं। मतलब जो गाड़ी छूटने का जो एग्जैक्ट टाइम था उससे मैं 30 मिनट पहले ही पहुंच गया हूं। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब होने के कारण 6:20 बजे आई। मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा था, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही समय होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, कि गाड़ी का भाई, गाड़ी के आने का समय, मतलब ट्रेन के आने का समय, ट्रेन ही तो है, ट्रेन बस स्टैंड भाई, मैं गया कहाँ, स्टेशन पे गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे मुझे ट्रेन पकड़नी थी, तो अराइवल टाइम ऑफ ट्रेन, ट्रेन के आने का समय लिख लेते हैं, ट्रेन के आने का समय जो आपका दिया गया है वो दिया गया है आपका कितना, 6:20। अब जो 6:20 दिया गया है ये तो आपका लेट टाइम है, जब लेट होने के बाद आई। अब देखो अगर मैं करेक्ट टाइम की बात करूं, तो आप बोलेंगे यह जब 6:20 पर आई तो यह 1 घंटे 30 मिनट लेट थी, 1 आवर 30 मिनट लेट थी,
तो 620 से मैंने क्या किया, 130 को माइनस कर दिया, ठीक है ना, 130 को माइनस कर दिया, तो उसके आने का सही समय क्या था, करेक्ट टाइम क्या था, तो आपने कहा 60 और 80, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपका 450 सही समय था, 450 उसका सही समय था, किसका, ट्रेन के आने का, ट्रेन के आने का सही समय क्या था, करेक्ट टाइम क्या था उसके अराइवल का, 450। लेकिन 1 आवर 30 मिनट विलंब होने के कारण वह कब आई, 6:20 पर, ठीक है ना, वह 6:20 पर आई। तो अब देखिए, और मुझे ट्रेन कब पकड़नी थी, 4:50 पे, मैं जो है स्टेशन पर 30 मिनट पहले ही पहुंच गया था, ट्रेन का जो टाइम था ना 4:50, उससे मैं देखो साफ लिखा है उसमें कि व्हेन आई रीच द स्टेशन आई केम टू नो दैट आई हैड रीच्ड हाफ एन आवर बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा, ठीक है ना, तो रीच द टाइमिंग टाइम ऑफ रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप बोलेंगे कितना आएगा, ये आएगा आपका 450 माइनस 30, तो मैं जो है 4:20 पर ही स्टेशन पहुंच गया था, क्योंकि जब मैं स्टेशन पहुंचा 30 मिनट पहले ही पहुंच गया था, ट्रेन के आने का टाइमिंग था 4:50 और मैं उससे 30 मिनट पहले ही पहुंच गया था, तो मैं कब पहुंचा था, 4:20 पर, 4:20, तो 4:20 ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, 4:20 o'clock, 4:20 मैं वहां पर पहुंच गया था, क्लियर। चलिए आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए भाई, क्या होगा आंसर, महेश लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट अर्लियर देन यूजुअल, इट टेक्स 10 मिनट टू रीच द बस स्टॉप, ही रीच द बस स्टॉप एट 8:40 AM, ठीक है, व्हाट टाइम डज ही यूजुअली लीव फॉर द बस स्टॉप, महेश घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला, बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, वह 8:40 प्रातः बस स्टॉप पहुंचा, वह 8:40 प्रातः बस स्टॉप पहुंचा, वह सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है, ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा, देखो 8:40 प्रातः बस स्टॉप पहुंच गया, उसको जो है बस स्टॉप से घर से बस स्टॉप पहुंचने में कितना समय लगता है, 10 मिनट का, तो घर से निकलने का समय क्या था उसका, ठीक है ना, वो जब आज घर से निकला तो घर से निकलने का समय क्या था उसका, घर से निकलने का समय जो आज वह निकला, घर से निकलने का समय वो था आपका 8:30, वो कितना था आपका 8:30, क्यों, क्योंकि 8:40 पर वह वहां पहुंच गया, उसको वहां से वहां घर से और बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए 10 मिनट लगते हैं, अर्थात 8:30 पर जो है घर से वह निकल गया, घर से निकलने का समय आज का 8:30 था और आज वह सामान्य से 15 मिनट पहले निकल गया, आज जो वह डेली जिस समय से निकलता है आज उससे वह 15 मिनट पहले ही चला गया, भाई कोई आपका काम है, आप जैसे घर से स्कूल जाते हैं, आपका एक टाइम है कि आप 11 बजे निकलते हैं, 12 बजे निकलते हैं या सुबह 9 बजे निकलते हैं, आपका एकदम एग्जैक्ट टाइम है कि हाँ भाई 9 बजे निकलेंगे, 15 मिनट अपने स्कूल पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई काम आ गया और आज आपने क्या किया कि आप 15 मिनट पहले ही निकल गए, मतलब आप रोज 9 बजे निकलते थे और 8:45 पे आज निकल गए, चूंकि 15 मिनट पहले ही आप चले गए, तो आपका जो डेली निकलने का टाइम है तो 9 बजे है, लेकिन आज आप निकल गए 8:45 पे, तो जो ये 8:30 आया ना, ये आज जो निकला है वो समय आया, तो जिस समय पर वो डेली निकलता है, ठीक है ना, यूजुअली लीव फॉर द बस स्टॉप, ठीक है, तो अगर हम बात करें सामान्यतः निकलने वाले समय की, ठीक है ना, सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप की निकलता है, सामान्यतः बस स्टॉप जाने का समय, बस स्टॉप जाने का समय, तो आप बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8:30 में
हम 15 मिनट क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या 15 मिनट कितना आ जाएगा आपका 8:45, क्योंकि आज वह 15 मिनट क्या निकल गया, पहले ही निकल गया, ठीक है 15 मिनट पहले ही निकल गया, लेकिन वह डेली 15 मिनट पहले नहीं निकलता, और डेली निकलता है 8:45 पे, आज कुछ काम होने की वजह से वह 15 मिनट पहले निकल गया, तो उसका जो बस स्टॉप जाने का जो यूजुअली टाइम है वह है आपका कितना 8:45। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन प्लेस ऑफ द नंबर्स ऑन द डायल ऑफ ए वॉच इन सच ए वे दैट द नंबर 4 इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर एच, द नंबर 5 इज रिप्लेस्ड बाय आई एंड सो ऑन, इफ द ऑर्डर ऑफ चेंज कंटिन्यूअर इन द सेम वे विच लेटर विल कम इन प्लेस ऑफ द नंबर 11, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 4 के स्थान पर यच अक्षर यच अक्षर आएगा, अंक 5 के स्थान पर आई अक्षर आए आई आ जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो अंक 11 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा कि पी आएगा, तो जरा देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ, ठीक है ना, आप इस तरीके को कभी नहीं भूलेंगे, देखो कैसे करना है, आपको कोई तरीका नहीं है तो जैसा वो करा वैसा कर दीजिए। जैसे यहां पर देखिए, आपने घड़ी बनाया, बेसिक तरीका क्या है, घड़ी बनाई है, एक बना दिया हमने, हमको पता है कौन सा नंबर घड़ी में कहां पर होता है, ये सारी जानकारी है हमें, यहां पे 12, यहां पे आपका 3, यहां पे 6 और यहां पे 9, ठीक है ना, यहां पे आपका 1, यहां पे आपका 2, यहां पे होता है आपका 4 और यहां पे होता है आपका 5, यहां पे होता है आपका 7, यहां पे 8, यहां पे आपका 10 और यहां पे होता है आपका 11, ठीक है, जब पूरी की पूरी क्लॉक हमारी बन गई। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अक्षर किस नंबर की जगह है, वैसे ही उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पूरा का पूरा अरेंज कर दीजिए। जैसे देखो यहां पे आपको दिया गया है कि क्या कह रहा है कि 4 इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर एच, 4 इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर एच, द नंबर 5 इज रिप्लेस्ड बाय आई एंड सो ऑन, इफ द ऑर्डर ऑफ चेंज कंटिन्यूअस इन द सेम वे, यही परिवर्तन का क्रम आगे भी जारी रहे। तो देखिए 4 की जगह क्या आ जाएगा आपका H, यहां पे H आ गया, यहां पे I आ गया, तो यहां पे आपका J आएगा, यहां पे आपका K आएगा, यहां पे आपका L आएगा, यहां पे आपका M आएगा, यहां पे आपका N आएगा, यहां O आएगा, यहां आपका आपका P आएगा, यहां क्या आएगा आपका Q आएगा, यहां पे आपका R आएगा, यहां पे आपका S आएगा, ठीक है ना, पूरा क्लॉक वाइज में आपने चेंज कर दिया। तो अब क्या पूछा है कि 11 के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, आपने कहा ओ आएगा, देखिए कितना आसान है, आपने कहा ओ आएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए उसको आप इसी प्रकार से करें, ये बेसिक मेथड है, कुछ नहीं करना, आपको क्लॉक बनाना है और जैसा कह रहा है उस प्रकार से सारे अल्फाबेट को अरेंज करते हुए चले जाना है, आसानी से आप आंसर दे पाएंगे कि क्वेश्चन का आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। क्लियर है। अब अगर मैं इसके डायरेक्ट मेथड की बात करता हूं, जैसे देखो आपको सारे अल्फाबेट के कोड याद हैं, ए टू जेड के कोड आपको याद हैं, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला आपको मैंने बताया था, एक इजोटी फार्मूला बताया था और एक सिफ्लोरॉक्स बताया था, एक बताया था सी एफ आई एल ओ आर यू एंड एक्स, एक फॉर्मूला बताया था सिफ्लोरॉक्स, ठीक है ना, सिफ्लोरॉक्स की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए जो आपका सी है इसका कोड होता है 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ 15, आर है आपका 18, यू है आपका 21 एंड एक्स है आपका 24, यक्स है आपका 24, ठीक है ना, हर अल्फाबेट आपके तीन तीन के अंतराल पे लिया गया है, ठीक है, तो यहां पर जो है आप सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से कोड को याद कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं तो 4 के स्थान पे क्या आ गया है आपका, 4 के स्थान पे यच आ गया है,
फाइव के स्थान पे क्या आया है, आपने कहा आई आया है। अब देखो यच की पोजीशन एट होती है, आई की पोजीशन नाइन होती है, फोर में मैं कितना प्लस कर दूं कि एट हो जाए, आपने कहा फाइव प्लस कर दीजिए, सॉरी फोर में फोर प्लस कर दीजिए, फाइव में कितना प्लस कर दूं कि नाइन हो जाए, आपने कहा यहां भी फोर प्लस कर दीजिए। इसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो सिक्स के स्थान पर क्या है आपका जे, सिक्स के स्थान पर क्या है आपका जे, तो जे का कोड कितना होता है आपका टेन, तो सिक्स में अगर मैं फोर प्लस कर दूं तो आपका टेन आ जाएगा। तो आपने कहा कि इलेवन की जगह कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो इलेवन में फोर प्लस करने पे फिफ्टीन आएगा, कितना आएगा आपका फिफ्टीन आएगा, और फिफ्टीन किस अल्फाबेट का कोड होता है आपका ओ का, किसका होता है ओ का। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अल्फाबेट के कोड याद होने चाहिए, और अगर नहीं याद है तो आप बेसिक मेथड से करें। अगर कोई भी चीज आपको भूल रही है तो आप बेसिक मेथड का यूज करें, आसानी से आप हर चीज का आंसर दे पाएंगे, हर क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन ये छूटेगा नहीं आपसे, क्लियर है। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, 11 की जगह क्या जाएगा आपका ओ आ जाएगा। तो इन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 4 9, 11 6 प्लस 4 10, तो 11 प्लस 4 15, तो आपका जो है यहां पे 11 की जगह आपका कितना आ जाएगा ओ आ जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं, इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन प्लेस ऑफ द नंबर्स ऑन द डायल ऑफ ए वॉच इन सच ए वे दैट द नंबर 5 इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर एक्स, द नंबर 6 इज रिप्लेस्ड बाय डब्ल्यू एंड सो ऑन, इफ द ऑर्डर ऑफ चेंज कंटिन्यूअस इन द सेम वे विच लेटर विल कम इन प्लेस ऑफ द नंबर 10। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 5 के स्थान पर यक्स अक्षर आएगा, अंक 6 के स्थान पर डब्लू आ जाए, और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यस आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, कि आपका एन आएगा। आपने कहा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, हमें कोई तरीका याद नहीं, तो हमें क्लॉक तो पता ही है, हम तुरंत यहां पे क्लॉक को बना लेते हैं, हम तुरंत यहां पे क्लॉक को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। क्लॉक में यहां पे आपका 12, यहां पे आपका 3, 12 के सामने आपका 6, 3 के सामने आपका 9, यहां पे आपका 1, यहां पे आपका 2, यहां पे आपका 4, यहां पे आपका 5, यहां पे आपका 7, यहां पे आपका 8, यहां पे आपका 10, और यहां पे आपका 11, क्लियर है। अब जरा देखिए, अगर मैं यहां पे इन अल्फाबेट्स को रखता हूं, अगर मैं यहां पे अल्फाबेट को रखता हूं, तो क्या दिया गया है कि आपका जो है 5 के स्थान पे यक्स अक्षर आ जाएगा, अंक 6 के स्थान पर डब्लू आ जाएगा। इसी को मुझे क्लॉकवाइज लेके जाना है, अब मुझे इसी को क्या करना, क्लॉकवाइज लेके चलना है। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पे 5 के स्थान पे यक्स, यहां पे यक्स आएगा, यहां पे आपका डब्लू है, ठीक है। तो यक्स के बाद अब देखो अल्फाबेट लगातार घट रहा है, क्योंकि एक्स के पहले डब्लू आता है, ये 24 है, 23 है, तो यहां पे क्या आएगा, आपने कहा यहां पे वी आएगा, यहां पे यू आएगा, यहां पे टी आएगा, यहां पे यस आएगा, यहां पे आर आएगा, ठीक है ना, यहां पे आपका क्यू आएगा, यहां पे आपका पी आएगा, यहां पे ओ आएगा, और यहां पे एन आएगा, यहां पे एम आएगा। जो कितना आसान है, सारे अल्फाबेट जैसे यहां से आपने जहां से स्टार्ट किया, जहां से क्वेश्चन में स्टार्ट है वहीं से आपको चलना है, ठीक है ना। तो 5 के बाद देखो 6 दिया गया है, क्लॉकवाइज ही तो जाएंगे, अगर 5 के बाद 4 दिया तो एंटी क्लॉकवाइज जाते। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि आपको क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो यहां पर देखो 5 के बाद 6 क्लॉकवाइज में आएगा, तो क्लॉकवाइज में आप चलते चले गए और सारे अल्फाबेट आपने अरेंज कर दिए। तो 10 के स्थान पे क्या आएगा आपका, ऐसा आएगा, तो कितनी आसानी से आंसर आ गया। तो अगर आपको यहां पर सारे मेथड भूल जाते तो आप केवल और केवल यहां पे जो है क्या याद रखें, आप यहां पर जो है बेसिक मेथड को लगाएं, कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यस आ जाएगा, आंसर क्या जाएगा आपका ऐसा आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से लगाते, देखो 5 के स्थान पे यक्स आ जाए,
आपने कहा 5 के स्थान पे यक्स आ जाए, यक्स का कोड कितना है 24। 6 के स्थान पे क्या आ जाए आपका W आ जाए, W का कोड कितना है आपका 23। अब देखिए 5 में कितना ऐड करें कि 24 हो जाए, आपने कहा कि 5 में अगर ऐड करने की बात है कितना ऐड करेंगे 19, यहां 19 ऐड करेंगे, यहां कितना ऐड करेंगे 17 ऐड करेंगे, तो क्या एक ही संख्या ऐड हो रही है क्या? देखो भाई यहां तो आपका कितना ऐड हो रहा है, आपने कहा यहां तो 19 ऐड हो रहा है, यहां आपका 17 ऐड हो रहा है, तो क्या एक ही संख्या ऐड हो रही है? जैसे पिछले में देखो 4 ऐड हुआ था, तो यहां क्या 19 सब में ऐड हो रहा है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आपने कहा नहीं, तो जब आपकी यहां पे सेम संख्या ऐड ना हो ना, अगर आपको डायरेक्ट तरीका लगाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं दोनों तरीके आपको इसलिए बताता जा रहा हूं, तो अब क्या करना है इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 + 24 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। आपने कहा यहां पर भी अगर जोड़ेंगे तो 6 + 23 कितना हो जाएगा, ये भी 29 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अब हमें 10th के स्थान पे चाहिए, तो आपने कहा कि 10 में हम कितना ऐड कर दें कि 29 हो जाए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 29 - 10 इक्वल्स टू आ जाएगा 19, और 19 होता है यस का कोड, किसका होता है यस का, तो आंसर आपका यस आ जाएगा। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये आपका डायरेक्ट मेथड है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है, आंसर दोनों से आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मेथड को भूल जाए तो आपको बेसिक नहीं भूलना है, बेसिक बहुत आसान है, ठीक है, क्लियर है, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं कि आप किसी भी एक मेथड को लेकर आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या आएगा। इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड इन प्लेस ऑफ द नंबर्स ऑन द डायल ऑफ ए वॉच इज सच ए वे दैट द नंबर 6 इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर वाई, लेटर वाई, द नंबर 7 इज रिप्लेस्ड बाय एक्स एंड सो ऑन। If the order of change continuous in the same way, which letter will come in place of the number 2? यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 6 के स्थान पर Y अक्षर आएगा, अंक 7 के स्थान पर X आ जाए, और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो अंक 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? A, B, C, D में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर हम बेसिक मेथड की बात करते हैं तो बेसिक मेथड हमारा ये है कि यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 9, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 and 2, यहाँ पे आपका आएगा 4 and 5, यहाँ पे आपका आएगा 7 and 8, यहाँ पे आपका आएगा 10 and 11, ओके। अब जरा यहाँ पे बात करें, देखो क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज, आपने कहा क्लॉक वाइज 6 के बाद 7 दिया है तो क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज में 6 के स्थान पे क्या है वाई, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे 7 के स्थान पे क्या है यक्स, अल्फाबेट लगातार घट रहा है तो यहाँ पे आपका डब्लू आएगा, यहाँ पे आपका वी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका वी के बाद क्या आएगा, यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे टी, यहाँ पे एस, यहाँ पे आपका आर, यहाँ पे आपका Q, यहाँ पे P, यहाँ पे O और यहाँ पे आपका आ जाएगा N, ठीक है ना। तो ये होगा पूरा का पूरा आपका क्रम, तो 2 के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका Q आएगा, 2 के स्थान पे क्या आएगा आपका Q आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, देखो जरा, तो 6 के स्थान पे क्या है Y, 6 के स्थान पे क्या है Y, Y का कोड 25, 7 के स्थान पे क्या है आपका X, यक्स का कोड कितना है 24, यक्स है, यक्स का कोड कितना है आपका 24, ठीक है ना, यक्स का कोड कितना है आपका 24 है आपके यक्स का कोड। अब देखिए 6 में अगर मैं कितना ऐड करूं कि 25 हो जाए 19, लेकिन यहां पे अगर बात करें तो कितना ऐड करना पड़ेगा 14, ठीक है ना, नहीं 14 नहीं 17, यहाँ 19 यहाँ 17, यहाँ भी देखो वही प्रॉब्लम है, एक नंबर प्लस नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे इन दोनों को जरा ऐड कर लो, 25 प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपका 31, ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 24 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 31। अब एक बात है कि अगर हम यहाँ पर देखें, देखो अगर हमको 2 का निकालना है तो 31 - 2 अगर करते हैं तो 29 आएगा,
29 आएगा। तो अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आपको इस डायरेक्ट मेथड से 12 के आगे किसी भी नंबर का आपको लेटर निकालना हो तो इस 29 में से 12 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। कितना आ जाएगा आपका 17, और 17 किसका कोड होता है, आपके क्यू का। तो इस बात को आपको याद रखना है कि अगर कभी भी आपको इस मेथड से आपको 12 के बाद का बाद के नंबर का अल्फाबेट निकालना हो तो आपको वहां पे 12 माइनस करना पड़ेगा, तभी आपका सही आंसर आएगा। क्लियर है? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज इन प्लेस ऑफ द नंबर ऑन द डायल ऑफ ए वॉच इन सच ए वे दैट द नंबर 9 इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर ई, द नंबर 8 इज रिप्लेस्ड बाय एफ एंड सो ऑन। इफ द ऑर्डर ऑफ चेंज कंटिन्यूस इन द सेम वे विच लेटर विल कम इन प्लेस ऑफ द नंबर 3। ठीक है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 9 के स्थान पर ई अक्षर आ जाएगा, अंक 8 के स्थान पर एफ आ जाए और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे, तो 3 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, जे आएगा, एल आएगा, के आएगा कि पी आएगा। अब देखो यहां पर आपको इस प्रकार से पहले घड़ी बना लीजिए, बना लिया आपने, यहां पे 12, यहां पे आपका 6, यहां पे 3, यहां पे 9, तो यहां पे आपका 10, यहां 11, यहां 1, यहां 2, यहां आपका 4, यहां 5, यहां 7 एंड यहां 8। अब जरा देखिए यहां पे जो दिया गया है वो आपका किस प्रकार से दिया गया है, तो आपने कहा ए 9 के स्थान पे अक्षर ई अक्षर आएगा, अंक 8 के स्थान पे एफ आ जाए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिया गया। देखो एंटी क्लॉकवाइज 9 के स्थान पे यहां पे ई, फिर यहां पे जो है 8 के स्थान पे एफ, तो ई एफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलना है अब, तो ई एफ, फिर यहां पे जी, यहां पे एच, यहां पे आई, यहां पे जे, यहां के, यहां एल, यहां एम, यहां एन, यहां ओ, यहां पी। ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से दिया जाएगा, वहां से पता चलेगा कि आपको क्लॉकवाइज जाना है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, 2 के स्थान पे क्या आएगा, 3 के स्थान पे आंसर, तो आपका 3 के स्थान पे के आएगा, 3 के स्थान पे आपका के आएगा, तो के आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर हम बेसिक मेथड की बात करें, यहां पे देखो 9 के स्थान पे आपका, 9 के स्थान पे आपका क्या है, ई, ठीक है ना। 8 के स्थान पे क्या है, तो आपने कहा 8 के स्थान पे है आपका एफ, ये देखो 5, ये है आपका 6, ठीक है ना। तो आपने कहा 9, आप देखो 9 में कितना माइनस करना पड़ेगा, 4, यहां कितना पड़ेगा, 2। क्या एक ही नंबर दोनों में हो रहा आपका, आपने कहा नहीं, आपने कहा तो फिर एक काम करते हैं, दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 8 प्लस 6 आपका हो जाएगा जो है कितना, 14। तो यहां पे मुझे निकालना है 3 का, तो 3 का अगर मुझे निकालना है तो आप कहेंगे 14 माइनस 3 कितना आएगा आपका, 11, कितना आ जाएगा आपका के, ठीक है, कितना जाएगा आपका के। तो अगर मुझे अब इधर का निकालना होगा, ठीक है ना, 12 के इधर का, तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इधर आपका देखो जैसे मान लो 11 का निकालना है, सपोज कर मुझे 11 का निकालना है, किसका निकालना है, 11 का, देखो अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो 14 माइनस 11 कितना बचेगा, 3, क्या 3 यहां पे सी आएगा क्या, आपने कहा नहीं, तो 12 क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर भाई मैं क्लॉकवाइज चलता तो 12 के बाद अगर मुझे इधर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 12 माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं और फिर मुझे 12 के बाद का निकालना है इधर किसी भी अंक का जो बच गए हैं, तो मुझे उसमें 12 क्या करना पड़ेगा, प्लस, 12 प्लस 3 कितना आएगा, 15, तब आपका आंसर आ जाएगा ओ, तब आंसर आ जाएगा ओ, देखो 11 की जगह ओ ही तो आ रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा जब आप जो है इस मेथड को यहां पर लगा रहे होंगे, तो आपको ये तरीका यहां पर ध्यान देना है कि मैं 12 प्लस कब करना है, 12 माइनस कब करना है, डायरेक्ट तरीके में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं।
इफ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज इन प्लेस ऑफ द नंबर्स ऑन द डायल ऑफ ए वॉच इज सच अ वे दैट द नंबर 7 इज रिप्लेस्ड बाई द लेटर जे. ओके, द नंबर 6 इज रिप्लेस्ड बाई के एंड सो ऑन. इफ द ऑर्डर ऑफ चेंज कंटिन्यूस इन द सेम वे देन विच लेटर विल कम इन प्लेस ऑफ द नंबर 11. यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 7 के स्थान पर जे अक्षर आएगा, अंक 6 के स्थान पर के अक्षर आ जाए, तो आपको बताना है कि 11 के स्थान पर क्या आएगा. देखो तुरंत आपको पता चल गया, तुरंत आपको मालूम चल गया कि क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज. आपने कहा यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे आपका आएगा 8. अब जरा देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है कि आपका 7 के स्थान पे जे, यहाँ पे जे आ जाएगा, 6 के स्थान पे के, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू. तो देखो सब कुछ क्लियर हो गया. तो 11 के स्थान पे क्या आएगा आपका आर, 11 के स्थान पे क्या आएगा आपका आर. तो सबसे अच्छा है इसको लगाने का बेसिक मेथड, कुछ भी नहीं करना, ना आपको 12 जोड़ने की जरूरत है ना आपको 12 माइनस करने की जरूरत है. अब जैसे अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो यहां पे देखें 7 के स्थान पे क्या है जे, 7 के स्थान पे क्या है जे, आपने कहा जे का कोड है 10, 6 के स्थान पे क्या है आपका के, के का आपका कोड है 11, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 3 कहेंगे तो 9, 6 प्लस कितना करना पड़ेगा 5. तो आपने कहा दोनों में सेम नंबर प्लस नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, 7 प्लस 10 17 हो रहा, देखो ये भी आपका सेम है, 6 प्लस 11 कितना, ये भी 17 है. तो अब इन दोनों का प्लस 17 होना चाहिए, आपने कहा बिल्कुल, तो 11 का है आपका, तो 17 माइनस 11 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 6. 6 में क्या करना पड़ेगा 12 और प्लस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 18 और 18 पे क्या आएगा आपका R. ठीक है, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 12 से इधर अगर किसी की संख्या का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 12 प्लस करना पड़ेगा, अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे 12 से इधर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 12 माइनस करना पड़ेगा. इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है. तो ये डायरेक्ट मेथड से भी आप निकाल सकते हैं आंसर, वहां से भी आंसर दोनों से सेम ही आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएंगे. ठीक है ना, इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए. तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, आप किसी में से एक मेथड का आपको प्रयोग करना है. ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड बताए कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना आए कि अगर मैं बेसिक मेथड को लेकर चलूंगा तो आंसर कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा. नहीं, तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं. आज आपकी जो है क्लॉक के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्लॉक को जो लेके आपके दिमाग में कन्फ्यूजन था इस प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर के, ठीक है ना, वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हुए होंगे. तो अगर आज की क्लास आपकी आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें. अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे. तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत.